नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ प्रियंका माथुर। आज बात करते हैं गरुड़ पुराण के बारे में। ये सब आपने सुना होगा, इसकी कुछ कथाएं भी आपने जरूर से अटेंड करी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है? गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति के जीवन में सुख दुख उसके कर्मों के कारण होते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव उसके जीवन में जीवित रहते हुए मरने के बाद और अगले जन्म तक बना रहता है। हिंदू धर्म में 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण भी एक है। ये बेहतर तरीके से जीने का मार्गदर्शन करती है। जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन सब के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। आज आपको बताते हैं क्या चीज हमें जीवन में छोड़नी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं रात में झूठे बर्तन छोड़ने के बारे में। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि रात में झूठे बर्तन छोड़ना हमारे वास्तु के साथ साथ हमारे कर्मों के लिए भी बुरा होता है। इसके वजह से हमारे घर में दरिद्रता आती है। इसके कारण घर में कलेश और झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती है। पहले के समय में लोग रसोई को पूरी तरह से साफ करके सोया करते थे, इसलिए वो ज्यादा सुखी रहते थे। दूसरा आता है घर को गंदा रखना। गरुड़ पुराण के अनुसार घर में स्वच्छता रखना और व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है, वरना घर में बीमारियां पनपने लगती हैं। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण के अनुसार घर में गंदगी रहने से लक्ष्मी का वास भी नहीं होता। और अब बात करते हैं कबाड़ इकट्ठा करने के बारे में। अक्सर लोग घर का कबाड़ छत पर डाल देते हैं और वहां रखकर भूल जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के मुताबिक कबाड़ को घर के किसी भी हिस्से में नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि कबाड़ रखने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है और साथ ही आर्थिक तंगी और कलेश की स्थितियां पैदा हो जाती है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और धर्म से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल और मैसेज जरूर करें। नमस्कार।